नमस्कार अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का आप देख रहे हैं हमारा लाइव और इंटरक्टिव सेशन हमारी ई विद्या चैनल नंबर टेन पर जी हाँ क्लास टेन के हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम आज का ये सेशन लेकर आए हैं और uh, सब्जेक्ट हमने लिया है हिस्ट्री हिस्ट्री विषय के अंतर्गत आज जो टॉपिक uh, हमने लिया है वो है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योगिकरण का युग Of course, social science एक सब्जेक्ट है जिसमें पर्टिकुलरली हिस्ट्री का आज हम टॉपिक ले रहे हैं और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई उस टाइम पे क्या हालात थे किस तरह की कंडीशंस रही और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रभाव जो दुनिया के एक हिस्से में शुरू हुआ दुनिया के दूसरे हिस्से में इसका क्या प्रभाव पड़ा हम इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आप भी हमारी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं नोट कर लीजिए हमारा फोन नंबर जो है इसके अलावा अगर आप हमें ईमेल लिखना चाहते हैं आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ई लिख सकते हैं हमारा ई मेल है डी टी एच डॉट क्लास टेन एट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी आप देख रहे हैं हमें लाइव हमारी ई विद्या चैनल पर लेकिन आप कुछ देर बाद जी हाँ आफ्टर फ्यू आवर्स हमारे इस सेशन का एक रिकॉर्डेड uh, जी अपलोड जो हम इसे करेंगे इसका जो रिकॉर्डेड जो हमारा सेशन होगा हो, होगा वो वो आप YouTube पर देख पाएंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल है एनसीईआरटी ऑफिशियल क्योंकि अभी आप वहां पर हमें लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो उसके जरिए आप हमसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे बट एन ऑफिशियल पर आप हमारे सेशन जो अपलोड होंगे उनको बाद में देख सकते हैं और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं चलिए अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे एक्सपर्ट से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए और हमें इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए डॉ साईनाथ कबाड़े सर स्वागत है आपका नमस्कार no, हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉ साईनाथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंस एनसीईआरटी न्यू दिल्ली में और चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं एक बार फिर बता दें आज जो हमने फोकस एरिया लिया है वो है हिस्ट्री एंड सोशल साइंस टॉपिक है हमारा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण का युग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेन सो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट yes. yeah. भी है तो आज जो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम कौन से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं और इसका लर्निंग आउटकम क्या रहेगा और प्लस डिस्कशन yeah. हमारा किस पर फोकस रहेगा सर okay, yeah. तो आज जो हम इस सत्र में पढ़ने जा रहे हैं वो है अध्याय नंबर दो उसमें जो खंड दिए गए हैं तो उस खंड में अध्याय नंबर दो ये जो है औद्योगिकीकरण के युग के संदर्भ में है इस पाठ का परिचय करते हुए हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले जानेंगे कि इस पाठ में क्या है और किस पे चर्चा हुई है तो हम जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति से पहले कारखानों का जो उदय हुआ था और औद्योगिक परिवर्तन की जो रफ्तार थी उस पर चर्चा हुई है उसके बाद हाथ का श्रम और बाष्प शक्ति इस पे बात हुई है उसके बाद महत्वपूर्ण है मजदूरों की जिंदगी और उसके साथ उपनिवेशों में औद्योगिकरण भारतीय कपड़ों का कपड़ों का युग और बुनकरों के साथ क्या हुआ और उसके साथ भारत में मैनचेस्टर का आना इस पे चर्चा हुई दिखाई देती है उसके आगे के उपाट में फैक्ट्रियों का आना और प्रारंभिक उद्यमी जो भारत में जो प्रारंभिक उद्यमी हुए भारतीयों में भारतीयों ने भी कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में जो कदम उठाए उसके बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती है और इसके लिए मजदूर कहाँ से आए इस पे भी चर्चा हुई है उसके साथ साथ औद्योगिक विकास का अनुटापन और लघु उद्योगों की बहुतायात पे भी चर्चा हुई दिखाई देती है उसके साथ सबसे रोचक जो हमें दिखाई देती है कि वस्तुओं के लिए बाजार और उनके लिए जो विज्ञापन दिए गए उस पे भी यहाँ पे चर्चा बहुत अच्छी सी हुई है जी। हम ये पाठ जानने के पहले हम जो सबसे महत्वपूर्ण जो संकल्पना है औद्योगिक क्रांति उसके बारे में जानेंगे मैंने यहाँ पे आपको एक जो व्याख्या या संकल्पना दी है जो कि इतिहासकार टी डब्ल्यू राइकर इनकी है ये औद्योगिक क्रांति के बारे में कहते हैं मानव के हाथों के श्रम के स्थान पर ऊर्जा चलित मशीनों द्वारा उत्पादन और समस्त देश में यातायात के साधनों का प्रचलन ही वह रूपांतरण है जिसे हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं इसके इस व्याख्या का आ, हम आ, कुछ इससे भी आसान तरीके से हम जब जानना चाहते हैं या चर्चा करेंगे तो हम ये देखते हैं कि ये जो औद्योगिक आउ, क्रांति जो हुई है वो क्या है तो जो भी मानव की सुविधाओं के लिए जो भी अपने हाथ से बनाए हुए व्यवसाय आधारित जो भी उत्पाद था अब यहाँ हम कुछ मशीनों द्वारा ऊर्जा द्वारा ये उत्पाद बनाने की शुरुआत हमने कर दी थी और इसी को हम औद्योगिक क्रांति ऐसे कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण भी है औद्योगिक क्रांति जो हुई इसके लिए बहुत सारे कारण हम बता सकते हैं जैसे कि कृषि क्रांति जनसंख्या विस्फोट व्यापार प्रतिबंधियों की समाप्ति उपनिवेशों का कच्चा माल तथा बाजार और पूंजी तथा नई प्रायद्योगिकी पुनर्जागरण काल और प्रबोधन काल राष्ट्रवाद और कारखाना प्रणाली ये सारे कारण औद्योगिक क्रांति के लिए यहाँ हम मान सकते हैं उसके साथ हम देखते हैं कि औद्योगिक जो परिवर्तन हुआ उसका जो रफ्तार बढ़ा उसके लिए कुछ और ऊर्जावान या कुछ यंत्र या साधन यहाँ पे हम उनको आ, ये जवाबदार मान सकते हैं जिम्मेदार मान सकते हैं, जैसे कि भाप के इंजन, जैसे कि जेम्स वैट ने जो बनाया, उसी कारण ये औद्योगिक उद, क्रांति के लिए एक कहीं तो एक उसका, उसका सहयोग मिला इसी कारण कुछ उद्योग और कारखानों को बहुत बड़ा एक, एक सुअवसर प्राप्त हुआ जैसे कि सूत उद्योग कपास उद्योग लो, लोहा उद्योग स्टील उद्योग कपड़ा उद्योग और ऊन उद्योग इन उद्योगों के लिए ये सारे मशीनरीज यंत्र बहुत बड़े सहयोगी बने और इसके कारण औद्योगिक परिवर्तन को एक रफ्तार प्राप्त हुई इस रफ्तार के कारण पूरे यूरोप में विविध प्रकार के कारखानों का उदय होने लगा शुरुआत इंग्लैंड में हुई 1730 में और इंग्लैंड में सबसे पहला कारखाना खुला शुरू हुआ उसके बाद 1760 और सत्रह में कच्चे कपास की आयात बढ़ी और कपास से कापड़ निर्माण की एक जो प्रक्रिया या कारखानों से उत्पाद या की प्रक्रिया बढ़ी 18वीं सदी में बहुत सारे आविष्कार बड़े उत्पादन प्रक्रिया बड़ी कुशलता बड़ी इसके लिए रिचर्ड आर्कराइट कहते हैं कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा में हमें कुछ बदलाव करने चाहिए इसलिए उन्होंने कुछ नए रूपरेखा सामने लाई और कारखानों की प्रक्रिया में भी एक कुछ अच्छे तरीके से रचनाएं उन्होंने बदल दी उन्होंने कहा कि कारखानों में कारखानों के कारण हमें एक छत के नीचे सारे प्रक्रिया हम कर सकते हैं एक मालिक के हाथ में सारी प्रक्रिया ला सकते हैं इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पे निगरानी रख सकते हैं गुणवत्ता का ध्यान रख सकते हैं और मजदूरों पर भी ध्यान रखना संभव हो सकता है जी तो सर ये हमने बहुत अच्छे से समझा कि किस तरीके से धीरे धीरे कारखानों का उदय हुआ और कैसे क्योंकि जो लोकोमोटिव इंजन हाँ, बन गया जेम्स वॉट ने जब भाप हाँ, का इंजन बनाया तो ट्रांसपोर्टेशन कितनी सरल हो गई सुगम इस, हो गई हाँ, और यातायात का जो ये साधन यू नो you know, विकसित हुआ इसके बाद तो जैसे क्रांति सी आ गई एक जगह से दूसरी जगह जाना सामान पहुंचाना जो प्रोडक्ट्स बनते गए उनको मार्केट करना बहुत आसान हो गया लेकिन इन सबके पीछे जिनका सबसे बड़ा हाथ था जो इस सारी प्रोडक्शन को उत्पाद जिन की जो देख रहे कर रहे थे वो थे मजदूर yes. उनकी जिंदगी पर भी काफी काफी प्रभाव पड़ा और जब mm -hmm. मजदूर कहते हैं तो मजदूर में औरतें पुरुष बच्चे yeah. yeah. शायद सभी सम्मिलित थे तो उनकी जिंदगी कैसी थी यस yes. uh, हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति और क्रांति का एक परिणाम जो कि हम विकास या प्रगति उसे बोल सकते हैं mm -hmm. उसमें हम सारे बहुत सारी मशीनरीज ने मशीनरीज तो बनाया उसके कारण हमारे जीवन या उत्पाद में बढ़ावा हुआ लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो व्यक्ति या समूह था वो था मजदूरों का और उनके जिंदगी पर इस क्रांति के कारण बहुत सारा प्रभाव हमें दिखाई देता है जैसे कि कारखानों या औद्योगिक क्रांति के कारण जो गांव में जो आ, बेरोजगार समूह था वो शहरों के और स्थलांतर करना उन्होंने शुरू कर दिया इसलिए स्थलांतर में वृद्धि होना ये आ, अपने आप में दिखाई देता है उसके साथ सा, सामाजिक संपर्क का महत्व भी बढ़ गया क्योंकि गांव से शहर में जाना इसलिए सामाजिक संपर्क का महत्व था सामाजिक संपर्क होगा तो ही शहरों में नौकरी मिल सकती थी रहने के लिए जगह मिल सकती थी और वहां पे कुछ तो सहयोग प्राप्त होता था अन्यथा हम देखते ही ऐसे कहीं उदाहरण भी हमारे इस अध्याय में दिए हैं कि बहुत सारे लोग संपर्क ना होने के कारण उनको अपने बहुत सारा जीवन का जो काल था वो कुछ पुलों के नीचे या ऐसे कहीं रास्तों पे प्लेट फुटपाथ पे उन्होंने व्यतीत किया काम मिलने तक उनको उसी पे अपना जीवन गुजारना पड़ा ऐसे हम कहीं उदाहरण अपने अध्याय में पढ़ सकते हैं इसीलिए सामाजिक संपर्क का महत्व बढ़ गया जैसे कि मित्र दोस्त का उल्लेख हमें इस अध्याय में दिखाई देता है रिश्तेदार या कंपनी जो भी थी कारखाने थे उसमें कोई ना कोई जान पहचान वाला होना चाहिए इसका भी महत्व यहाँ पे बड़ा हुआ दिखाई देता है बे बे की हलत, इस पे भी यहाँ पे चर्चा हुई है उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा उनके कौटुंबिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा और मौसमी काम ये भी बहुत बड़ा प्रभाव मजदूर की जिंदगी में पड़ा मौसमी काम मतलब हम देखते हैं कि कुछ काम ऐसे थे कि मौसम के अनुसार थे जैसे कि बारिश में आ, कुछ काम मिलता था तो आ, आ, बाकी मौसम में वो काम नहीं मिलता था तो उस मौसम में उनको फिर से अपने घर वापस आना पड़ता था तो इस काल में उनकी जो जिंदगी थी उनके समस्याएं थी ये बहुत महत्वपूर्ण हमें दिखाई देती है और उसमें उसके बाद कहीं हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी भी इस से प्राप्त होती है कि मजदूरों का शोषण भी यहाँ बहुत बड़ा आ, बहुत बड़े आ, मात्रा में हुआ दिखाई देता है महिला मजदूरों का शोषण बाल मजदूरों का शोषण यहाँ पे दिखाई देता है काम के आ, समय के बारे में यहाँ पे कुछ नियमावली नहीं थी उनके वेतन में स्पष्टता नहीं थी फिर इस पे कुछ ना कुछ आ, कालांतर में सुधार हुए और उस पे उसके लिए कुछ कायदा या कानून आने लगे जैसे कि हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर एक्ट वुमन्स के लिए उमेंस लेबर एक्ट ऐसे सुविधाजनक जिसमें मजदूर कारागिर इनके जीवन के लिए उनके जीवन पे कुछ सुधार लाने के लिए उनको सहयोग देने के लिए उनके बच्चों के शिक्षा के लिए बहुत सारे इंतज़ाम कानूनी तौर पर अब यहाँ करना शुरू हुआ था जी तो इसमें सर हमने ये तो जाना कि लाइक मजदूरों की क्या कंडीशन थी अब हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में जो उद्योग थे हस्त उद्योग की बात करें जो आज तो फल फूल रहे हैं लेकिन एक समय ऐसा था कि उन पर भी इसका प्रभाव पड़ा yes. था और ये बताएं कि भारत में जो हस्त उद्योग है उनका क्या रेलिवेंस है और किस तरीके से इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ कदम उठाए गए यस yes. तो आ, हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में हस्त उद्योग छोटे छोटे उद्योग हुँ. थे हर घर में कुछ ना कुछ उद्योग चलता था व्यवसाय चलता था इसीलिए भारतीय समाज समृद्ध था जी भारतीय स्वभाव गुण उद्योग व्यवसाय करने का ही है इसीलिए भारतीय एक अच्छे व्यवसायिक रहे है उन्होंने इसी कारण पूरे विश्व में अच्छे अच्छे उत्पाद भेजे और इसकी बहुत मांग पूरे विश्व के स्तर पर थे औद्योगिक क्रांति के कारण इस पे थोड़ा सा प्रभाव दिखाई देता है उसमें कुछ बदलाव हुए कहीं तो उनको उनकी जो गति थी उसमें कहीं तो, तो गतिरोध मिला लेकिन फिर भी उनकी एक विशेषता रही कि वो सा, सातत्यपूर्ण अपना जो उत्पाद था वो रख सके आज भी हम देखते हैं कि हस्त उद्योग अच्छी तरह से चल रहे हैं और भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग व्यवसाय का वो हिस्सा रहे इसी कारण अच्छे बहुत सादगीपूर्ण उत्पाद आज हस्त उद्योग के कारण या हस्त उद्योग के तरफ से हम आज हमें प्राप्त होते हैं हम जब भी बाजार में या कुछ हम पर्यटन स्थलों पे ऐतिहासिक स्थलों पे या धार्मिक स्थलों पे जब जाते हैं तो ये हस्त उद्योग पूर्ण जो भी हम उत्पाद देखते हैं तो उसको हम बढ़ावा देना चाहिए हम जितना हमसे हो सके उसकी खरीददारी या उसकी प्रशंसा ये हम तरफ से होनी चाहिए एक अच्छा प्रयास होना चाहिए जी बिल्कुल ये अच्छा एक प्रयास होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस चीज को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स से उन्होंने पूरी कोशिश करी कि इस हस्त उद्योग को तो बिल्कुल खत्म कर दिया जाए yes. समाप्त कर दिया जाए yes. कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ ऐसी फसलें थी जिनकी खेती करने के लिए मजबूर किया गया किसानों को yes. और वो अपना जो करना चाहते थे उनको उसके लिए बढ़ावा नहीं दिया गया तो ऐसे में आज हम देखते हैं कि हमारे देश में कई ऐसी नीतियां बन रही हैं, जहां पर हम इस चीज को काफी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा उस बार में सब बात करते हैं। हाँ। तो आ, हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने ब्रिटिश जब सत्ता थी भारत पे तो उन्होंने जान लिया था कि भारतीय व्यवसाय और भारतीय जो हस्त उद्योग है उससे जो उत्पाद है जैसे कि आ, कपड़ों का हम देख सकते उदाहरण दे सकते हैं कपड़ कपड़े हो या रेशमी जो उत्पाद है रेशम से बने हुए ऐसे बहुत सारे आ, उत्पाद थे कि उस पर वहाँ पे यूरोपियंस या ब्रिटिश को स्पर्धा बहुत आ, 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 वो कर नहीं सकते थे उस स्पर्धा में वो कहीं भी अपना टिकाऊ नहीं रख सकते थे ये उन्होंने जान लिया था इसी कारण उन्होंने इस भारतीय उत्पाद को या इस सामाजिक रचना को खत्म करने के लिए कुछ योजनाएं आखी और इसका प्रव, इसका परिणाम भी इस सारी रचनाओं पे हुआ दिखाई देता है लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे भारत सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं हमारे सामने रखी हमें दी कि इसके कारण हम अपने जो पूर्वकालीन उद्योग व्यवसाय और कुशलता है फिर से हम उसका उपयोग करके ये सारे उद्योग व्यवसाय फिर से खड़े कर सकते हैं फिर से जोरों से उससे उसका उत्पाद हम शुरू कर सकते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि कुशल कुशल भारत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे भारतीय सर, भारत सरकार के तरफ से उठाए कदम का पुरस्कार हम कर सकते हैं इसका उपयोग हम यहाँ अपने उद्योग व्यवसाय के बढ़ोतरी के लिए निश्चित तरह से हम कर सकते हैं जी और हम देखेंगे कि भारतीय कपड़ों का जो युग था तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण जो उत्पाद था वो कपड़ों का था हम प्राचीन काल से ही देखते हैं कि बहुत तरह के कपड़े की निर्मित या निर्माण भारत में हुआ करती थी इसलिए बहुत सारे केंद्र भी प्रसिद्ध थे और भा, भारत में इसी कारण यूरोपियन उनका प्रवेश हुआ उन्होंने कई तरह के योजनाएं लाई और इस पे कुछ नियंत्रण प्रस्तापित करने का प्रयोग किया भारत में मैनचेस्टर का भी आना एक महत्वपूर्ण आ, बात थी इसी कारण कुछ यहाँ के भारतीय व्यापारी संरचना में कुछ बदलाव या परिणाम हमें दिखाई देते हैं ये परिस्थितियां होती हुए भी ये समस्या होते हुए भी ये कुछ आह्वानात्मक परिस्थिति होते हुए भी भारतीय कुछ व्यापारी थे उद्यमी थे उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा उसमें उन्होंने यशस्वीता प्राप्त कर दी जैसे कि जमशेद जी जीजो भाई उन्होंने मुंबई में अपना पहला कापड़ मिल शुरू कर दिया उसके बाद द्वारकानाथ टागोर थे उन्होंने औद्योगिकीकरण का पुरस्कार भी किया पाश्चिमीकरण के जो नए संकल्पनाएं थे उनका स्वीकार करना उन्होंने महत्वपूर्ण बताया बैंकिंग और बीमा क्षेत्र का भी उन्होंने यहाँ पे प्रशंसा की उसके बाद हम देखते हैं कि टाटा ग्रुप जो भारत का एक व्यापारी उद्यमी उद्यमी हम देखते हैं तो उन्होंने भी इस कार्य में अपना अच्छा उत्पाद रखा उसके बारे उसके बाद हम एक महत्वपूर्ण पहलू पे यहाँ पे चर्चा करेंगे जैसे कि वस्तुओं के लिए जो बाजार और विज्ञापन इसका महत्व बाजारों में या बाजार पेट में हमें दिखाई देता है जो भी विज्ञापन आए उसके कुछ हमें यहाँ चित्र अपने अध्याय में हमें यहाँ प्राप्त होते हैं जैसे कि ग्राइफ वाटर का यहाँ चित्र हमें दिखाई देता है ब्रिटिशर्स ने भारतीय बाजार पेट पे अपना नियंत्रण लाने के लिए भारतीय बाजार पेट में अपनी वस्तुओं का खप बढ़ाने के लिए आ, मांग बढ़ाने के लिए ऐसे विज्ञापन जारी करना शुरू कर दिया कि उस उसमें भारतीय हमें दिखाई देता है जैसे कि देव देवताओं के फोटो का उपयोग करना और यहाँ भारतीयों के आदर्श व्यक्तियों का उपयोग करके वस्तुओं का महत्व या उनका स्तर ऊंची बढ़ाने के लिए यहाँ के बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतों का भी चित्र में उपयोग किया दिखाई देता है जैसे कि ग्राइफ वाटर का एक विज्ञापन हम देख सकते हैं उसके बाद सनलाइट साबुन का भी एक विज्ञापन का चित्र हमें प्राप्त होता है इस अध्याय से तो इसके बारे में भी हम यहाँ देख सकते हैं जान सकते हैं लैपटॉन टी चाय और कॉफी की कंपनी जो थी उसका विज्ञापन में भारतीय ऐतिहासिक इमारतों का उपयोग किया और ये देखते हैं कि हम जो भारतीय देवी है वो क्या कर रही है यहाँ पे जो बाहर के मिलों से बनाई हुई जो कपड़ा है वो यहाँ दान कर रही है समाज में बांट रही है अहमदाबाद के एक मिल का विज्ञापन हमें यहाँ दिखाई देता है और ऐसे ही हम देखते हैं कि विज्ञापन के आधार पर भी ये यूरोपियंस या पश्चिमी जो कारखानदार थे उत्पादक थे उन्होंने विज्ञापन का उपयोग किया और अपनी वस्तुएं भारत के बाजार पेट में बेचने के लिए एक प्रयास किया जी तो हम यह देख सकते हैं कि, कि किस तरीके से एक अलग तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया उन्होंने अपने उत्पादों को बेचने के लिए उन्होंने भारतीय जो संस्कृति थी भारतीय जो हमारा कल्चर था उसी का इस्तेमाल किया ताकि ये लगे कि ये उत्पाद तो यहाँ के लोग बहुत पहले से इस्तेमाल कर yes. रहे हैं ये आपके अपने उत्पाद हैं आप इन्हें इस्तेमाल कीजिए yes. तो बड़ी चालाकी से उन्होंने yes. अपने उत्पादों के साथ हमारे देश में yeah. उन्होंने प्रवेश किया और धीरे धीरे तो हम सब जानते हैं किस तरीके से उन्होंने देश पर कब्जा किया डिवाइड एंड रूल की नीति अपना के खैर लेकिन उद्योगिकरण का कुछ फायदा भी हमें पहुंचा क्योंकि हमने कई मशीन्स मिली yes. हमारे यहाँ पे जो ट्रेन जी हाँ जो रेलवे लोकोमोटिव का जो एक चलन स्टार्ट हुआ वो बहुत बड़ी एक yes. उपलब्धि उपलब रही थी हाँ. तो इसके जो थे पॉजिटिव इफेक्ट भी हुए और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही हुए yes, yes. तो लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव ये भी आया जो हमारे पास समय सिर्फ ज्यादा नहीं है कि हमने जो जो मजदूरों की जो बुरी कंडीशन हाँ। थी बुरी दशा थी हाँ। उस पर भी कई नियम और कानून लागू किए गए हम हर साल पहली मई को लेबर डे मनाते हैं शायद ही कहीं ना कहीं उसी का ही एक हाँ। नतीजा था कि लोगों को समझ आया कि किस तरीके से काम की जो भी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जाना चाहिए और मजदूरों के लिए जो उनका वेतन है या जो श्रमिक है उनकी जो रहने सहने का इंतजाम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसी के साथ ही अब समय हो चला है कि हम अपने इस सत्र को यहीं पर समाप्त करें सर uh, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे yes. आपने इतने अच्छे से ये सेशन में कंट्रीब्यूट किया और हमें इस कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से समझाया क्लास टेन का हमारा ये आज सेशन हुआ जिसमें हमने टॉपिक लिया द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगिकरण का युग और हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को अगर दोबारा देखना चाहें तो यूट्यूब पर जब भी अपलोड होगा आप इसे देख सकते हैं हमारे चैनल एनसी आर टी ऑफिशियल के माध्यम से और अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा अगला लाइव एंड इंटरक्टिव सेशन जो कि होगा साइंस विषय पर और टॉपिक रहेगा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज तो फिलहाल के लिए मुझे यानी हरप्रीत कौर को इस सत्र से दीजिए इजाजत नमस्कार